हाँ पहाड़ ले पताल ले जुमन ले झाड़ ले चली बजे क्या बहन के चोर बाल चोर चोर चोरा के चुरा के नहीं। देखिए कितना अच्छा एकदम बना है ना, एकदम थोड़ा फूल देखो केला पीठा बनेगा, उसके पानी चढ़ा रही है, जब गुड़ है अच्छा से सक रहे हैं ना। इधर दीदी बना रहे पीठा। इधर देख सकते हैं उत्कर्ष उत्पल भी दोनों उठ चुका है, उधर उत्कर्ष है बेटा, सबको नमस्ते करो वो। और इधर है उत्पल, रुकिए दिखाती हूँ मैं। इधर ये है माँ का लाडला, वो भी है लेकिन ये छोटा है ना इसलिए कुछ ज्यादा ही है। चलो बेटा तुम भी सबको नमस्ते करो। इसको लग रहा है ठंडा, ठीक है इसको चलिए स्वेटर वगैरह पहना देते हैं, तो चलते हैं नीचे, अब तो बहुत सारा काम है। ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं फिर। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ बाबा लोग के लिए आलू का पराठा। देखिए उसके लिए मैंने आलू को भून ली हूँ, मैं आटा भी गूंथ के रख दी हूँ। देखिए इधर है आटा, अब मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। और कोई कैमरा पकड़ने के लिए है नहीं तो फिर, और स्टैंड भी नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। मैं बनाती हूँ फिर आप लोग को दिखाऊंगी। आज से बाबू लोग के लिए बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि आज मतलब हम लोग का जब तक पूजा वगैरह नहीं ख़त्म होगा तब तक हम लोग खा नहीं सकते, इसीलिए मम्मी पापा या फिर अपने लिए तो नहीं बना रही हूँ, तो बाबू लोग के लिए बना रही हूँ। तो ठीक है फिर मैं फटाफट बना लेती हूँ। देखिए हम लोग का पराठा कितना अच्छा से बन के रेडी हो रहा है, कुछ बाबू लोग खा चुका है और अभी भी बन रहा है, ये भी खाएंगे शायद से नहीं खाएंगे पता नहीं है, बाकी हम लोग तो आज पूजा करेंगे उसके बाद ही खाएंगे। बहुत अच्छा से बन रहा था। ठीक है फिर और क्या ही दिखाएंगे आप लोग को, हम तो सोच रहे थे दिखाएंगे लेकिन बनाने बनाते बनाते वो लोग लेके जा रहा है इसीलिए नहीं दिखा पा रहे। देखिए अभी हम लोग के लिए आलू का पराठा बना रहे हैं, एक बना चुके हैं देखिए, देखिए बन चुका है एक यम्मी यम्मी, और अब दूसरा भी दिखा रहे हैं इधर इधर, ये भी हो चुका है और ये तीसरा बनाने जा रहे हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा बन रहा है, देखिए ये सीख चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, दिखा बेटा सरसों का तेल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब दोनों भाई खाना शुरू कर दिए हैं, कैसा टेस्ट है बेटा उत्कर्ष अच्छा है। देखिए इधर दोनों खा रहे हैं, अब लोग खा के बताएगा कि आलू का पराठा कैसे बना है, बताओ उत्पल खा के बताओ बेटा, उत्कर्ष तुम बताओ। अच्छा है, अच्छा ये गर्म है ना इसलिए तोड़ नहीं पा रहा है। हेलो वाह हमको तो देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए पूरा एकदम आलू भरा हुआ है। देखिए मम्मी मेरे पास ना पहले उसको दो, उत्पल बता बेटा बहुत टेस्टी, ठीक है ठीक है खाओ। ठीक है फ्रेंड्स अब लोग खाते हैं, मैं बाकी का पराठा बना के ख़त्म कर देती हूँ। चलो ठीक है फ्रेंड्स लोग का पराठा ख़त्म हो चुका है, अब ये वाला उसको दे दो, ये वो ड्राई, हाँ तो ये वो ड्राई वाला है तुमको ले। अब देखिए दोनों को और एक एक मिल गया है, अभी लोग खा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा एकदम बना है ना, एकदम थोड़ा भी नहीं फटा है कि दिख रहा है कि नहीं, देखिए थोड़ा भी कहीं से नहीं फटा हुआ है, उतना तो फटेगा। अरे हाँ ये देखिए देखिए हाँ बहुत अच्छा से एकदम पराठा बना है। नहीं अभी नहीं।
ठीक है फिर तुम लोग खा लो हाँ। सबसे बड़ी बात ले गया था, अब जब बोल रहे थोड़ा ही जरूरत होता है पूजा के लिए, मगर अगर अब सब कुछ है सब सब कुछ है वो देखो केला फिनिश कर तीन रॉकेट तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 तो गाइस अभी छुप चुका है पटाखा और हम लोग ढूंढ रहे पक्का अंदर ही छुपाया चलो तेरे तो मैं देखा देखो ढूंढते गए आए तो बीच में बाहर लिया हूँ हा हा पता है आज भी आज लड्डू खरीदूंगा मैं हा 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 पीठा बनेगा उसके लिए पानी चढ़ा रही है जब गुड़ है तो बनेगा तब फिर दिखाएंगे गुड़ का बनेगा अभी पूजा के लिए बनता है दिखाएंगे ये जो चूल्हा है ना आज का जो पीठा बनता है वो नया चूल्हा नहीं बना पुराना चूल्हा का यूज नहीं किया देखिए क्या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं। अच्छा सूप में रखना है नया वाला ना इसको बोलते हैं बताइए झाड़ू झाड़ू और इसका विशेषता भी बताइए जो बनाए हैं उसको रखिए उसमें ये बना रहे हैं मैडम और इसका विशेषता थोड़ा पापा जी से जानते हैं बताइए तो लेकिन घर में इतना धुआं हो रहा है ना कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा है हम लोग मौना पर्व मनाते हैं हाँ मौना पर्व किसान लोगों के लिए कोई खास है हाँ गाय बैल किसान लोग हैं गाय बैल रखते हैं बैल से हाल जोतते हैं हाँ साल भर खेती करते हैं हाँ खेती करने के बाद ये मौना पर्व पहुँचता है कार्तिक महीना में नवम्बर महीना में हाँ की तिथि को हम लोग काली पूजा मनाते हैं उसके बाद ये गोवर्धन पूजा करते हैं गोवर्धन पूजा में गुहाल पूजा जिसको बोलते हैं गुहाल पूजा गुहाल अग्नि गोवर्धन पूजा जिसको गुहाल पूजा यानी मौना पर्व भी लोग बोलते हैं बढ़िया है ना। मौना पर्व में बैल को लोग सिंदूर नया धान का उसको शरीर में लगाते हैं और सिंह में सिंदूर लगाते हैं सिंदूर लगाते हैं ये जो हम लोग अपना करते हैं ना साल भर का मेहनत उसको स्वागत करते हैं सम्मान देते हैं उसका सिंह में ये जो बांधते हैं और फिर माथा में टिकली बोलते हैं इसी का टिकली बनता है अच्छा तीन गो रहता है टिकली उसको दे करके फिर घर की बहू बेटी लोग चुमाते हैं बहू लोग चुमाते हैं चुमान करते हैं हाँ। बैल को नया सूप से और खांचे से इसको रखते हैं हाँ। और नया से खांची से कूदते हैं और बनाते हैं उसी उसी चूने से नया जो कूदते हैं जिसमें रख करके सिंदूर लगा करके उसको चुमावन करते हैं अच्छा चुमावन करने के बाद जो बैल हम लोग का है जो कृषि कार्य में लगाते हैं गाय बैल भैंसी भैंसा सबको हम लोग चुमावन करते हैं हाँ। ये साल भर का ये त्योहार है हाँ। साल भर का त्योहार है हाँ। तो चलिए पापा जी तो पूरा बोलते हैं लोग हाँ। कोई इंदवार भी बोलते हैं
पापा जी तो पूरा विशेषता ही बता दिए, तो हम लोग कैसे चुमाएंगे क्या सब दिखाएंगे आप लोग को। और अभी बन रहा है, हाँ उसके बाद में दिखाते हैं। हाँ उसको खिलाएंगे, भिस्का भी बोलते हैं, मरना पूरा भी बोलते हैं। हाँ उसको पूरा नहा धो करके तीन दिन उसको लोग भी बनाने जा रहे हैं। ऐसे नहीं करो बेटा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। घर द्वार में पूरा लेप होता है। हाँ द्वार में पूरा लेप होता है। हाँ और द्वार को भी लेप करते हैं। द्वार को भी एकदम नए सिरे से लेप लगा करके, जहाँ गाय बैल हम लोग आता है, गाय को हम लोग लक्ष्मी माँ बोलते हैं। बाबू सब को बरत बोलते हैं, उसी का नहीं नहीं हर बार चलता है। तो देखिए कैसे बनेगा, फिर दिखाएंगे आप लोग को। इसको कटिंग करते हैं। हाँ देखिए किस तरह से काट के बनाया जाता है। हाँ सिंगा लगेगा। हाँ सिंगा लगेगा। हाँ इधर बना बना के रख रहे हैं, और इधर हम लोग का पीठा बन रहा है, इधर दीदी और मम्मी बना रहे हैं। बनेगा फिर उसके बाद में दिखाते हैं। और थोड़ा देना होगा ना। टिकली और बैल का सिंग में, सिंग में लगेगा। ये भी बनाने सिखा दिए पूरा क्या। सीख गए बनाने। मस्त ट्रेनिंग चल रहा है अभी। अच्छा से सक रहे हैं ना। इधर दीदी बना रहे पीठा। तो
इधर इतना सा बन गया है, सब बन गया है। अब इधर हम बैठ के आराम कर रहे हैं अभी। दिखा दिखा ला, ऊपर दिखाया फ्लावर मेरे लिए, दिखा दिखा ना बेटा, थैंक यू। और वो किसके लिए पता, किसके लिए पता नहीं, सोचेगा। लीजिए उत्पल आपके लिए फ्लावर लाया है। हाँ लो कैमरा लेके जाना, बना लेना। थोड़ा सॉफ्ट कर लो। यही हो गया सबसे ज्यादा, मैं किया हूँ बाबू उसका। आइएगा जंगल से झाड़ से पहाड़ से पर्वत से, हाँ, और गुहाल आइएगा, गुहाल में मेरा दूध दही परिपूर्ण होगा, गाय भैंस परिपूर्ण हो, मैं हम लोग जैसे बस विद्या एकदम करी हो, देश विदेश लेकिन जैसे बस सही होगा, इस पर हम करें। इसका तो मैं करके दिखा, नहीं नहीं होगी होगी, नहीं नहीं होगी 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 होगी, यही कंटा करे आपको गाय को मिली है किस तरह पहाड़ पर्वत। ऐसे वो तो करना है, लेकिन यहाँ पर पहले
भी है, चारों तरफ भी है। अरे हंग सब हक के बाहर देगा रे घर में, तेरे पापा काम में गया है, जान मेरे पापा। अब डालना है ना पानी, दिया दिखाएंगे, हाँ एक बार आना तुको थोड़ा तेरी। अब यहाँ पर दूध धन है नीचे, और कर दो बस पानी और चूनी डालना है। एक एक तरफ पानी डालिए, एक तरफ चूनी डालिए, एक साथ में दोनों हाथ में दोनों पकड़िए, एक हाथ में चूनी पकड़िए, एक हाथ में पानी, दोनों साइड। हाँ एक साथ डालिएगा, एक साथ डालिएगा दोनों तरफ। दिख रहा है